हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। एंड द चैप्टर नंबर 13 इज आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन और द, ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। चलिए आगे देखते हैं इनको क्या होते हैं आर्टिकल। आर्टिकल इज अ वर्ड, एन आर्टिकल इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ नाउन, जो एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि नाउन एक है, ओके, वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वो स्पेसिफिक नाउन है, ओके। जैसे कि पीटर लाइक्स टू रीड अ बुक, सो बुक को क्या मॉडिफाई कर रहा है? अ, एक बुक उसको पढ़नी है, राइट? आई एम स्टार्टिंग विथ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीटर लाइक्स टू रीड अ बुक, सो उसको एक बुक पढ़नी है, तो बुक, एक बुक को कौन डिफाइन कर रहा है? ए। सो ए इज द आर्टिकल हेयर। सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ओके। सो देयर आर टोटल 3 आर्टिकल्स, ए एंड द, ओके, जो दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुए हैं, मतलब बांटे गए हैं। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम करेंगे बच्चों डेफिनेट आर्टिकल। सो द आर्टिकल द कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेफिनेट आर्टिकल। द को हम कहते हैं बच्चों डेफिनेट आर्टिकल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ओके। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, कि इसी की बात कर रहे हैं, इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं द। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, द सतलुज इज सच अ बिग रिवर, तो हम यहाँ पर किस रिवर की बात कर रहे हैं? सतलुज। सो पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आर्टिकल द। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, सो एक पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है, और उस पार्क में जो पर्टिकुलर चिल्ड्रन खेल रहे हैं उनकी बात हो रही है, सो वी आर पुटिंग बिफोर देम द आर्टिकल, ओके। सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। सो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज या इंसान की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को द, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनडेफिनेट आर्टिकल। द आर्टिकल ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे पॉइंट टू अ जनरल पर्सन और थिंग। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो हम जनरल पर्सन और जनरल थिंग के लिए यूज करते हैं। द हम यूज करते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए, ए और एन हम यूज करते हैं बच्चों जनरल पर्सन और थिंग के लिए, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल है, एन आउल वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, आई बॉट अ न्यू ड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ भी स्पेशल चीज की या पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही, मैंने एक ड्रेस खरीदी, एक आउल पे एक पेड़ पर बैठा था। सो अब आपको मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ ए और एन का, राइट? ए बच्चों हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, राइट, और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट होती है। एन हम यूज करते हैं जहाँ वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल से। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों हमारे? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ओके। सो जब वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा है और उसकी साउंड भी वॉवल वाली आ रही है, तब हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं तब हम? एन, ओके। और बाकी के सारे लेटर इन 5 को छोड़ के, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ओके, इस तरह के बाकी के सारे अल्फाबेट्स हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ओके। सो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि न्यू, टी, और इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट की हो, वहां हम यूज करते हैं ए, ओके। सो अब आपको ए और एन का डिफरेंस पता चल गया होगा, तो चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद करेक्ट आर्टिकल। हमें यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल फिल करना है,
ओके सो चलिए बच्चों करते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे ए एन और द. द हमारा कौन सा आर्टिकल है, द हमारा कौन सा आर्टिकल है जल्दी बताइए, डेफिनेट. और ये कौन से हैं, इनडेफिनेट. ओके याद रखना है आपको ये. द हम यूज करेंगे पर्टिकुलर पर्सन और चीज के लिए और ए और एन हम करेंगे जनरल पर्सन और जनरल थिंग के लिए. सो सीमा इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल. सीमा एक इंटेलिजेंट गर्ल है. ई आई आ गया, वॉवल है, राइट. सो एन, सीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. शी हैज गॉट अ बाइसिकल. ओके क्या मिला उसको, बाइसिकल. इट इज डैश ब्लू इन कलर. इट इज द ब्लू इन कलर. तो बिल्कुल पर्टिकुलर है कलर, ब्लू है. इट इज द ब्लू इन कलर. शी हैज गॉट अ स्कूल बैग ऑल्सो. वन डे शी सॉ एन ओल्ड मैन विद अ बैग ट्राइंग टू क्रॉस द रोड. शी हेल्प्ड हिम, शी गेव एन एप्पल टू हिम. सो अब आप नोटिस करोगे बच्चों, जितनी भी जगह मैंने ए यूज करा है वहां सब जगह कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, और जितनी भी जगह ए एन यूज करा है वो सारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हुए हैं और उनकी साउंड भी वॉवल की ही है. सो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव बी एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर ईच सेंटेंस. हमें हर सेंटेंस के लिए करेक्ट आर्टिकल चूज करना है. रवि हैड टू बी क्विक टू कैच द बस और एन बस. पर्टिकुलर बस कैच करनी है, राइट. सो रवि हैड टू बी क्विक टू कैच द बस. क्योंकि जल्दी करनी है तो एक पर्टिकुलर बस ही उसे पकड़नी होगी, सो इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर द. सो हमने चूज करा द को. A and the girl who lives next door is my friend. जो next door मतलब साथ वाले घर में रहती है वो मेरी friend है. तो हम किसी particular girl की बात कर रहे हैं, so we will choose the. We saw dash elephant behind that house. We saw an elephant. क्यों n? Because ये vowel है और इसकी sound भी vowel ही है, elephant, right? Mayank is going to the USA because USA is a particular country. Okay. Dash new dress I bought is really beautiful. So हम एक particular dress की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बहुत सुंदर है. So the new dress I bought is really beautiful. The birds are flying in the sky. So sky, sun, आपको ये भी याद रखना है बच्चों. Sky, sun, moon, earth, इन सब के लिए हम यूज करेंगे द. ओके सो द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. आई सॉ अ वाइट पिकॉक इन द जू. अ क्यों लगा, बिकॉज डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, राइट. सो इसके लिए हम यहां पर यूज करेंगे अ. I saw a white peacock in the zoo. चलिए आगे चलते हैं. Yes, the sun rises in the east. Okay? Because ये भी आपको याद रखना है, east, west, north और south. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन directions के लिए भी हम use करेंगे the. Okay? I helped dash old man cross the road, an old man. Because vowel से start हो रहा है तो n आएगा. I helped an old man cross the road. This is dash unusual dress. This is an unusual dress. Okay? So dash boy who lives next door. Next door की बात हो रही है तो हम किसी particular boy की बात कर रहे हैं. The boy who lives next door is my classmate. I lost dash crayon I bought yesterday. जो मैंने कल खरीदे थे, तो particular crayons हैं. I lost the crayons I bought yesterday. We spent dash week in Darjeeling. We spent a week in Darjeeling. I saw a man and a woman at the mall. Okay? अब हम
इनकी बात हम एक बार ही कर चुके, आई सॉ अ मैन एंड अ वुमेन एट द मॉल. अब ये हमारे लिए पर्टिकुलर हो गए कि अब हम इन्हीं की बात आगे बढ़ा रहे हैं. द मैन वॉज वेयरिंग अ पिंक स्वेटर एंड द वुमेन वॉज वेयरिंग अ रेड स्वेटर. ओके, सो डैश क्लाउन इन द रेड ड्रेस, द क्लाउन इन द रेड ड्रेस वॉज राइडिंग अ यूनिसाइकल, was riding the unicycle. The clown in the red dress was riding the unicycle. Jagjit is going to the US. Okay? So, आपको समझ आ रहा होगा कि जो particular चीज़ें हैं उनके लिए हम use कर रहे हैं the, और general चीज़ों के लिए हम use कर रहे हैं a और n. Right? तो चलिए आगे चलते हैं. Fill in the blanks by choosing the correct word from each pair from the brackets. My father cut the dash in half for my tree house. So, अब क्या यहाँ पर कट करेंगे? Board और board. ये board होता है कि I am bored, मैं bore हो गया. So, यहाँ पर आएगा board. Right? चलिए. Timmy can't dash his homework. ये find का मतलब होता है बच्चों, जो find लगता है ना हम पे, तो ये है find. ढूंढना कि टिमी कांट फाइंड हिज होमवर्क. ग्रैंडमास फेवरेट डैश इज द रोज. सो क्या आएगा यहाँ पर? फ्लावर. ओके, दिस इज फ्लावर, दिस इज फ्लावर, इसका मतलब होता है आटा. तो ये नहीं आएगा. आप देख रहे हैं साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. सो ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. वीक मतलब कमजोर. ओके, सो इस तरह से हम इन्हें करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Yes, we have some more. Now, fifth one. I saw a dash running and crossing the street. So, kya running and crossing? Deer, hiran. Is deer ka matlab hota hai pyara. To ye yahan par nahi aayega. My trousers are too big for my waist. Ye waist hota hai bekar. Aur ye waist hota hai kamar. ओके, सो ट्राउजर बहुत बड़ी हैं मेरी वेस्ट के लिए. आर वी डैश टू गो टू द शॉप? आर वी अलाउड, अलाउड टू गो टू द शॉप. आई लाइक रीडिंग द स्टोरी बुक्स टू. स्टोरी बुक्स भी पढ़ना पसंद है. इस टू का मतलब होगा दो और इन टू का, इस टू का मतलब होता है भी. पुश मी डैश ऑन द स्विंग, हायर, बहुत ऊंचा झूले पर मुझे ऊंचा धक्का दो, मतलब ऊंचा ऊंचा झुलाओ. ओके, और इस हायर का मतलब होता है किसी चीज को हायर करना, किराए पर लेना. यू विल हैव टू डैश आउट द स्पॉन्ज, इट्स वेरी वेट. यू विल हैव टू रिंग आउट द स्पॉन्ज, इट्स वेरी वेट. सो इस तरह से हम फिल करते हैं बच्चों यहाँ पर राइट होमोफोन्स. नाउ द बी एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. ओके, आई जस्ट एट, एट मतलब खाना खाया. आई जस्ट एट अ लॉट ऑफ मीट, इस मीट का मतलब होता है मिलना. सो वी विल राइट दिस, मीट फॉर डिनर. ओके, वुड यू लाइक टू वियर, पहनना, अ पेयर ऑफ माय मिटन्स. ओके, वेट माय सन, ये होता है सूरज, एस यू एन, सन मतलब बेटा. वेट माय सन, सेड द बॉयज मदर, द डियर इज पासिंग बाय, द डियर इज पासिंग बाय. वुड यू लाइक टू गो विद अस टुनाइट? सो ये होता है वुड, इसका मतलब होता है लकड़ी. ओके, My mother dash a delicious dinner for the family. My mother made. इस made का मतलब होता है बच्चों जो हमारे यहाँ आते हैं ना सफाई करने वाली या बर्तन करने वाली, maid, house help जो होती है वो होती है M-A-I-D, maid. My mother made a delicious dinner for the whole family. पूरी family के लिए. The dog chased his tail. टेल मतलब पूछ, और इस टेल का मतलब होता है स्टोरीज. ओके, द डॉग चेज्ड हिज टेल टायर लेसली. सो आपको बच्चों सिर्फ इसका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होना चाहिए इन वर्ड्स का, सो आप इजीली उनको सही सेंटेंस पर लिख सकते हो. ओके,
Now we have C exercise, homophones crossword puzzle. Read the clues and use the word bank to complete the crossword puzzle. चलिए देखते हैं. Yes, you can dash new friend across. यहां पर you can make new friend. तो यहां पर क्या आएगा? You can make. Right? We will dash for the bus to come. We will wait for the bus to come. The store is having a big sale. Sale lagti hai na? Okay. She was sick with the what? So we can take the help of the clue also. She was sick with the. देखते हैं क्या आएगा. She was sick with the flu. Okay. So यहां पर आ जाएगा flu. She was sick with the flu. Okay. The dash mounted his horse. The knight mounted his horse. He dashed the ball to the first base. Throw. He threw the ball to the first base. It was a long dash and everyone was tired. It was a long night and everyone was tired. Now, my dad cooked the dash on the grill. Kya banaya? Meat on the grill. They went for a dash around the island. They went for the sail around the island. The baby gained a little weight. W-E-I-G-H-T. Weight. We dash our kites in the sky. So we flew our kites in the sky. He walked, dashed the corridor through the corridor. So, इस तरह से यहाँ पर आप इन वर्ड्स को इधर फिल कर लेंगे, ओके? And it will be your homework. And if you want, children, you can take the help of these clues, ओके? चलिए आगे चलते हैं. Thanks for watching. Have a nice day.